चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की चुनौती पार करने के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने स्पेस मिशन गगनयान के लिए कमर कस ली है। इस मिशन के तहत इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो ने गगनयान मिशन में शामिल होने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब दुनिया की नजरें इसरो के मिशन गगनयान पर जा चुकी हैं। इसरो ने गगनयान मिशन पर काम तेज कर दिया है। अगले साल इसरो अपना मानव मिशन लॉन्च करेगा। इसकी लॉन्चिंग हेवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 रॉकेट से होगी। मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। 3 दिन बाद अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस से वापस लाया जाएगा। गगनयान मिशन की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गगनयान मिशन को इसरो 3 अलग अलग भागों में पूरा करेगा। इसमें 2 लॉन्च ऐसे होंगे जिनमें इंसान नहीं भेजे जाएंगे, वहीं 1 लॉन्चिंग में इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो लंबे वक्त से अपने इस महत्वाकांक्षी मिशन की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बताया था जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। भारतीय वायुसेना से चुने गए इन 4 गगन यात्रियों के नाम हैं प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। सही सुना आपने, मिशन गगनयान सफल रहा तो भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला 4th देश बन जाएगा। अब यहाँ एक जरूरी सवाल है कि मिशन गगनयान से हासिल क्या होगा? जवाब है तकनीक। जी हाँ, ऐसी तकनीक विकसित करना जिसका इस्तेमाल हम अंतरिक्ष में भी कर सकें। गगनयान भविष्य में होने वाली स्पेस एक्टिविटीज के लिए भी एक माइलस्टोन साबित होगा और अंतरिक्ष की एक बेहतर समझ विकसित होगी। गगनयान मिशन तो सिर्फ एक शुरुआत भर है, क्योंकि स्पेस सेक्टर में भारत का लक्ष्य बड़ा है। 2035 तक पहला स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन। इसरो 16 अगस्त को SSLV का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। SSLV का यह आखिरी सैटेलाइट मौसम समेत कई दूसरे जरूरी डेटा देगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.